हे गाइज, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस तरह का फोटो एडिटिंग। गाइज, आज की इस वीडियो पे आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज, आपके फ़ोन के अंदर लाइट रूम ऐप को ओपन करना होगा और लाइट रूम ऐप को ओपन करने के बाद आपको ऑल फोटोज़ पे क्लिक करना होगा। गाइज देख सकते हो, यहाँ पे हमारा फोटो को ऐड कर लिया हूँ। उसके साथ गाइज ये वाला प्रीसेट को भी ऐड किया हूँ। ये वाला प्रीसेट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और हमारा टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारा बैकग्राउंड प्रीसेट बहुत कुछ देता रहता हूँ, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। तो गाइज चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रीसेट या कुछ भी बैकग्राउंड डाउनलोड करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो मैं सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च बार में लिखना होगा pavitraitography.com। तो गाइज मैं सर्च कर लिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वाला साइड पे आपको क्लिक करना होगा। फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और गाइज मैं फर्स्ट वाला को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो गाइज मैं भर भर के पोस्ट लिख के रखा हूँ। आप किसी भी पोस्ट को पढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर देख सकते हो एक सर्च बार का ऑप्शन है। तो गाइज यहाँ पे आपको सर्च पे लिखना होगा लाइट रूम प्रीसेट डाउनलोड करना चाहते हो तो लाइट रूम प्रीसेट, सीबी बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हो तो सीबी बैकग्राउंड, जो कुछ भी सर्च करना चाहते हो तो बस आपको ऐसे लिखना होगा। तो मैं लाइट रूम प्रीसेट को कैसे डाउनलोड करना है वो आपको दिखा देता हूँ और आपको सर्च कर देना है। ठीक है, तो गाइज देख सकते हो सर्च करने के बाद यहाँ पे एक प्रीसेट दिख रहा है। मैं बहुत सारा प्रीसेट अभी तक अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन आप लोग जब मेरा साइट पे आओगे तो गाइज यहाँ पे प्रीसेट का लाइन लग जाएगा। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना होगा बस टाइटल पे। तो डाउनलोड करने के लिए प्रीसेट को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पे देख सकते हो एक डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, तो गाइज डाउनलोड का ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा स्वाइप अप आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हो तीनों ऑप्शन। तो गाइज यहाँ पे आप कट भी कर सकते हो या किसी भी एक ब्राउजर या कुछ भी सिलेक्ट कर देना, गूगल ड्राइव या कुछ भी। और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे गाइज जैसे ही डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करोगे प्रीसेट या बैकग्राउंड जो कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हो आप डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ से आपको प्रीसेट को ओपन करना होगा। प्रीसेट को ओपन करके आपको ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके आपको सिंपली कर लेना होगा कॉपी सेटिंग्स। यहाँ पे कॉपी सेटिंग्स करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर देख सकते हो एक राइट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो नॉर्मल फोटो है आपको नॉर्मल फोटो को ओपन करना होगा और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आपको कर देना होगा सिंपली पेस्ट सेटिंग्स। एक क्लिक के अंदर गाइज फोटो एडिट हो जाएगा। गाइज यहाँ पे पेस्ट। तो गाइज देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से फोटो एडिट हो गया, लेकिन यहाँ से आपको कुछ और भी एडिट करना होगा। तो यहाँ से आपको फोटो को पहले शेयर करके लेकर जाना होगा कहाँ, ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। तो गाइज ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले फेस को स्मूथ करना होगा। देख सकते हो गाइज फेस एकदम ही स्मूथ नहीं है। तो फेस को स्मूथ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पेंसिल वाला ऑप्शन दिख जाएगा। पेंसिल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और थोड़ा सा नीचे आना होगा। ठीक है, और ये वाला ब्रश को आपको सिलेक्ट करना होगा। और गाइज देख सकते हो यहाँ पे ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन है, आपको ये वाला ब्रश पे क्लिक करके आपको ऊपर सेटिंग पे क्लिक करना होगा और सेटिंग को आपको इतना ही रखना होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे गाइज नीचे कट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फेस को थोड़ा सा जूम करके कुछ इस टाइप से राउंड राउंड से फेस के ऊपर चलाना होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से फेस स्मूथ हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। तो गाइज देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से फेस स्मूथ हो गया है। तो यहाँ से गाइज आप देख सकते हो फोटो कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ से आपको फोटो को सेव करना होगा। सेव करना बहुत ही आसान है, आपको साइड पे आपको 3 डॉट दिख जाएगा। ठीक है, 3 डॉट पे आपको क्लिक करके आपको सिंपली शेयर पे करना होगा क्लिक। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको कर देना होगा सेव टू डिवाइस।